नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जस्ट बिहार और मैं हूं आपका दोस्त पंकज। अभी हम लोग मौजूद हैं गोपालगंज जिला में। यहां पे आपको एक पहले इंटरव्यू में इनकी एक इंटरव्यू लिया गया था, जो कि आप लोगों का काफ़ी जोर था कि एक और इंटरव्यू लीजिए, इनका स्पेशल इंटरव्यू। तो अभी हम लोग मौजूद हैं अरविंद सिंह गोपालगंज के, एक बहुत ही अच्छे कलाकार और एक बच्चे हैं, अच्छे हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं। और इनसे हम जानेंगे कि अभी इनकी क्या स्थिति है लॉकडाउन में और अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है। सबसे पहले तो आपके चैनल पे 5,50,000 सब्सक्राइबर हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले जस्ट बिहार के जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, सबको अच्छे सिंह का प्रणाम है। और लॉकडाउन में वही अपना तो काम लॉकडाउन में तो काम चल ही रहा है। और अभी इस जो सावन का महीना चला, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा। इस महीने में आप लोग इतना प्यार दिए, 5 से 6 वीडियो जो मिलियन क्रॉस पार कराए, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद है आप लोग को। जैसे कि अभी आप लोग का लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी थी, शूटिंग हो रहा था, उसमें आपकी क्या प्रोसेस हुआ और क्या कमाई हुआ उस पर बताइए। जी वही लॉकडाउन में वही हम लोग, जैसे कि जो मेरे गांव के कलाकार हैं उन्हीं को लेकर हम लोग काम किए और बच के काम किए, क्योंकि कोरोना का ज़्यादा कहर था, तो इसलिए वही थोड़ा कम चल रहा था, लेकिन काम करते रहे हम लोग। जैसे कि अभी आपके चैनल पे 5,50,000 सब्सक्राइबर हुआ है, उसके बारे में आप क्या दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि इसी तरह प्यार देते रहिए, 5 मिलियन कीजिए और अपना प्यार देते रहिए, और आगे हम लोग इसी तरह आप लोग को हंसाने के लिए अच्छा अच्छा कॉमेडी वीडियो, इमोशनल वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कि अभी हमारे साथ थे, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी मेरा नाम अरमान अली पड़ेगा। आप इनके टीम में ज्वाइन हैं? जी, हम लोग तो बहुत पहले से ज्वाइन है, 2011 दोस्त है। 2011 में हम लोग दोनों आदमी एक साथ फिल्म किए थे आपन देश, उसके बाद से ये क्या काम वही? हम पढ़ाई करने लगे अपना होटल मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट का ये काम, फिर आदमी अभी लॉकडाउन में कोर्स कर रहा है, डिग्री कंप्लीट, फिर ये जैसे घर आया भाई सबसे पहले मिलने आया, उसके बाद से साथ में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। ठीक है जी, अभी आपका आगे क्या प्लान है, क्यों कौन सा फिल्म करना है, क्या थी अभी? जी जी, अभी हम अभी कल मेरे पास स्क्रिप्ट है जख्मी फिल्म का, जो वीरू ठाकुर लिखे हैं, तो स्क्रिप्ट आया है ऑनलाइन स्टोरी, मैं उसको देखा, बहुत अच्छा स्टोरी है, तो मैं अभी वो जख्मी फिल्म कर रहा हूँ। उसके बाद से टाल है, टोमाल है, रुस्तम सर से और बात चल रहा है, 2-3 फिल्म प्रोसेस में है मेरा, अगले माह से हम लोग फिल्म चालू कर रहे हैं। फिल्म क्या मतलब कि क्या थी है? लीड कर रहा हूँ, सेकेंड लीड, जैसे जो मिल रहा है कलाकार हूँ, जो अच्छा मिलेगा करेक्टर वो अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके मतलब काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे पहले आपका इंटरव्यू में, कि अगर हम उन लोगों से जुड़ना चाहें तो क्या? जी एकदम जोड़ सकते हैं, जो वीडियो होता है उसके इनबॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अब मैं आपको नंबर भी बताते रहूँ, 8709111213। जिसको भी काम करना है मेरे साथ एक बार कॉल करें और आके मेरे साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक सहती चल रहा है कि भोजपुरी में काफ़ी गंदगी फैल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अब अपना अपना देखने का नज़रिया है कि गंदगी, अच्छा अश्लीलता कहाँ नहीं है ये बताइए हमको। आप लोग, हम इतना बोलना चाहेंगे जितने भी न्यूज वाले ये चैनल वाले हैं, आप भी हैं, तो आप लोग ये जो गाना खराब है उसी को प्रमोट आप लोग क्यों करते हैं? अभी एक भोजपुरी में चलता है भोजपुरी रतन चैनल, आप जानते हैं उसके बारे में? जी। वो वर्ल्ड वाइड का कंपनी का वो चैनल है, उस पर थोड़ा सा भी खराब गाना नहीं आता, लेकिन उस पर लोग कितना 5,000-6,000 व्यू आता है, क्यों आता है? और हम लोग अश्लीलता नहीं सुनेंगे तो अश्लीलता नहीं फैलेगा भाई। तो ये गलती हम लोग में है, खराब गाने का व्यू साला 20-20 मिलियन, 30-30 मिलियन, 100-100 मिलियन क्रॉस हो रहा है, जो बढ़िया भजन आ रहा है उसका 100 लोग सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? अश्लीलता हम लोग तो फैला रहे हैं। और असल में देखिए भोजपुरी में खो गया है कि भोजपुरी यानी कि अश्लीलता, क्या अश्लीलता है? हिंदी को देख लीजिए आप, वो इतना पैंट पहना के डांस कराते हैं, इतना ये दिखाते हैं, हम लोग लहंगा पहना के डांस कराते हैं, तो हम लोग अश्लीलता कर रहे हैं, कहाँ अश्लीलता है? वहाँ ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है, आप ही बताइए। जैसे कि लोगों को लग रहा है, मान लीजिए कि किसी के बहन बेटी कहीं पे शादी में जा रही है, वहाँ पे कोई ऐसा गाना बज रहा है कि ये गाना वो गाना जो भी है, सभी सिंगर गा रहे हैं, उसमें काफ़ी मतलब कि ऐसा गाना नहीं बजना चाहिए जहाँ पे वो लड़कियाँ रहती भाई, है भाई वो तो हम लोग की ना गलती है। अब मेरे घर कोई प्रयोजन है, आप हम सबको बुलाए हैं, तो हमको वहाँ पर क्या गाना बजाना है, कैसे बजाना, वो तो मेरे पर निर्भर करता है। अब कोई सिंगर आके तो नहीं कहता कि मेरा गाना बजाइए, ये खराब गाना है तो आप बजाइए, आपसे बोलने को गया सिंगर, वो तो सिर्फ यूट्यूब पर अपलोड करता है। अब हमको क्या बजाना है, हमको क्या सुनाना है लोगों को, तो हम पर निर्भर करता है भाई। लोगों का कहना है कि खराब गाना गाकर कोई गाना ही नहीं है, क्योंकि
खराब गाना जब तक आएगा नहीं तो लोग सुनेंगे कैसे? भाई भाई मेरा बात सुनो। अच्छा मैं दुकान खोला, वहाँ पे सामान खराब रखा हूँ, तुम नहीं खरीदोगे तो अपने मैं वो नहीं बेचूंगा। आपका कहना ठीक है बट मतलब गाना ही नहीं चाहिए। ठीक है नहीं, आप कितना लोग को माना किया जाए, लेकिन हम जो जानता है उनको तो भी अपना सुधरना चाहिए। जी जी। जो अच्छा गाना अभी गुंजन भैया का एक लाल चुनरिया की इस तरह कोई गाना आया था, मात्र उसका भी एक 3-4 लग गया एक महीना, बताइए। तो इसमें हम गलती हम लोग का है भाई, जो अच्छा गाना उसको हम लोग प्रमोट करें। न्यूज़ वाले शो में भी, न्यूज़ वाले जितना भी चैनल का है, उन लोग से यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे भी गाना का प्रमोट कीजिए भाई। अच्छा भी गाना आ रहा है, ख़राब भी गाना आ रहा है, तो साला एक एक हो गया है कि भोजपुरी है तो अश्लीलता है। भाई भोजपुरी को इतना बदनाम हम ही लोग किए हैं, इतना अश्लीलता सब जगह है, किसी भी लैंग्वेज में जाइए, साउथ हो चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, बंगाली, सब जगह वैसा ही है। लेकिन एक बन गया है, मोहल्ला बन गया है कि भोजपुरी है तो गंदा ही है गाना आएगा। नहीं भाई, इसमें पवन सिंह का गाना सुनिए, खेसारी लाल का सुनिए, प्रमोद प्रेमी का सुनिए, सब लोग अच्छा गाते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा गाना पर ध्यान नहीं देते हैं। जो खराब रहता है उसी पर ध्यान देते हैं, तो ये गलती हम लोग का है, ये हम लोग खुद चेंज करेंगे तभी। हम लोग नहीं सुनते हैं, उन लोग का व्यू नहीं आएगा, उन लोग का कमाई नहीं होगा तो कंपनी वाला नहीं लेगा। अगर कंपनी वाला को अगर अच्छा गाना दिया जाता है, आप लोग अगर अच्छा उसका व्यू देते हैं, तो खराब गाना पर उसका नज़र ही नहीं जाएगा किसी सिंगर का। लेकिन ये है कि सिंगरों लोग को भी समझना चाहिए कि गाए गाना लेकिन एक सबके साथ फैमिली में सुनने लायक गाना हो, ठीक है, ऐसा गाना चाहिए। इसमें सिंगर लोग का भी गलती है, कुछ हम लोग का भी गलती है, दर्शकों का भी गलती है, कंपनी मालिक को लोग का भी गलती है। लेकिन देखिए सबका अपना पेट पालना है भाई। तो अगर आप आपके न्यूज़ पर जाएगा इंटरव्यू, अगर अच्छा इंटरव्यू जाता है तो उसको आप पसंद करते हैं, तो आप वैसे ही इंटरव्यू लीजिएगा, वैसे ही इंटरव्यू लीजिएगा ना कि इसका ये भाई का इंटरव्यू 5 मिलियन गया, ये अच्छा बोल रहा है तो इसका ही इंटरव्यू लीजिएगा, मेरा 2,500 लोग देख रहे हैं तो आप मेरा नहीं लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो लोग खराब गाना गा रहे हैं तो उसका व्यू ज़्यादा जा रहा है, तो भाई वही लोग गाएगा, जो लोग सुनना पसंद कर रहे हैं वही गा रहे हैं, गाएगा। अब उन लोगों में क्या गलती है, ये सब लोग को सुधरना चाहिए। का मुहिम चल रहा है अभी तो ये अपने रवि किशन जी कोई मुहिम चलाए हैं, जो भी अश्लील गाना गाएगा उस पर FIR क्या होगा, इस सब कुछ आया है, अब देखिए क्या होता है। ऐसा होना चाहिए, भोजपुरी का भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए गाना सॉन्ग रिलीज करने के लिए। ये यूट्यूब जब से आया है तब से भाई कोई भी अपना यूट्यूब खोल रहा है, उस पर डाल दे रहा है कोई भी गाना, तो ये हम लोग में गलती है और वो कंपनी मालिक में भी गलती है, तो इस पर सुधार करना चाहिए। तो अभी आप लोग देख रहे थे जस्ट बिहार, अभी आप जो आपके फ़ैन हैं उनके बारे में आप कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि इसी तरह प्यार देते रहे, दुला लेते अपने भाई अच्छा सिंह को, और जल्द कुछ नए लोगों के साथ बड़ा कुछ करेंगे आप लोग के लिए। जैसे कि अभी हम लोग मौजूद थे लोग गोपालगंज में, ये अरविंद सिंह गोपालगंज के एक अच्छे कलाकार थे, जो कि आपको पहले वीडियो में इंटरव्यू इनका दिखाया गया था। अगर अभी तक आप वह इंटरव्यू नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और एक बार ये ऊपर दिखाइए इसको भाई, आठो भाई, ये मैं अपने डांस क्लास में हूँ, यहीं पे मैं डांस सीखता हूँ, तो जो भी डांस सीखना चाहते हैं आके यहाँ पे डांस सीखे, बहुत अच्छा सर सिखाते हैं, रोहित सर और राहुल सर, तो जिसको भी डांस सीखना है आके यहाँ पे डांस सीखे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का एक फंक्शन होने वाला है, उसी में हम सब लोग, सब दोस्त, ये मेरा भाई सर और सब लोग आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। तो और यही कहेंगे कि जस्ट बिहार को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, मेरे भाई का चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।